नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक दीप पर। और आज अपने बात करेंगे दो ऐसे फोन्स के बारे में जिनकी प्राइस रेंज काफी सिमिलर रहने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, ऑनर 10 लाइट और ऑनर 8X के बारे में। और अपने बात करेंगे मेजर डिफरेंस क्या है दोनों फोन्स के अंदर, आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, अपने विद रीजंस आपको ये बताएंगे इसके अंदर। नंबर तो पहले अपने बात कर लेते हैं दोनों ही फोन में यूज डिस्प्ले के बारे में। ऑनर 10 लाइट की डिस्प्ले की बात की जाए तो इसके अंदर 6.2 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ऑनर 8X के अंदर 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दोनों ही फोन्स की स्क्रीन को छोटा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप बड़ी स्क्रीन चाहते हैं तो आप ऑनर 8X को खरीद सकते हैं। आगे अपने बात कर लेते हैं नंबर दो पे दोनों ही फोन्स में यूज सेल्फी कैमरा की। ऑनर 10 लाइट की बात करें तो इसका हाईलाइटेड फीचर है, इसके अंदर 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है आपको, जबकि ऑनर 8X के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। दोनों ही फोन्स के अंदर नोच का डिफरेंस है, उसके अंदर वाटर ड्यू नोच के अंदर आपको दिया गया है, जबकि इसके अंदर बोट शेप नोच के अंदर फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो अगर आप अच्छा सेल्फी कैमरे के मामले में ऑनर 10 लाइट को खरीद सकते हैं। और अगर अपने तीसरे बड़े डिफरेंस या अंतर की बात करें तो दोनों ही फोन्स के अंदर बैक कैमरा की बात कर लेते हैं। ऑनर 10 लाइट के अंदर जो कैमरा यूज़ किया गया है वो 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का किया गया है, जबकि ऑनर 8X के अंदर आपको अच्छा बैक कैमरा 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का मिलता है। तो अगर बैक कैमरे की बात की जाए तो ऑनर 8X को खरीदना चाहिए, अगर मैं बात कंपेयर करूं ऑनर 10 लाइट से तो। हालांकि दोनों के कैमरे ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनर 8X का कैमरा ऑनर 10 लाइट के बैक कैमरे से बेहतर है। अब बात कर लेते हैं अपने चौथे मेजर डिफरेंस की। तो दोनों ही फोन्स में जो बैटरी का यूज़ किया गया है वो अलग अलग है। ऑनर 10 लाइट के अंदर आपको 3400 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि ऑनर 8X के अंदर आपको जो है 3750 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो अगर आप बैटरी के मामले में भी देखें तो ऑनर 8X अच्छा है ऑनर 10 लाइट। अब अगर मैं बात करूं दोनों ही फोन्स में प्रोसेसर की, तो दोनों फोन्स के अंदर आपको किरिन का 710 पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोनों ही फोन्स के अंदर, और दोनों ही फोन्स के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है। अब कलेक्ट करते हैं दोनों ही फोन्स के पॉइंट्स को और देखते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। अब ऑनर 10 लाइट के और ऑनर 8X दोनों की स्क्रीन की बात करें तो बड़ी स्क्रीन है ऑनर 8X की, तो पहला पॉइंट जाता है ऑनर 8X को। और दूसरा, अगर अपने फ्रंट कैमरे की बात करें तो ऑनर 10 लाइट के अंदर आपको 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो जाता है ऑनर 10 लाइट को। और इसके बाद अगर मैं बैक कैमरे की बात करूँ तो बैक कैमरे में ऑनर 8X में मिलता है आपको 16 प्लस 2 मेगापिक्सल, जबकि ऑनर 10 लाइट के अंदर आपको मिलता है 13 प्लस 2 मेगापिक्सल। तो बैक कैमरे के हिसाब से ऑनर 8X बेटर है, और बैटरी के मामले में भी ऑनर 8X बेटर है।